मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर में चैप्टर 5 मोर अबाउट एमएस पेंट। इसमें क्या है, आपके एमएस पेंट के बारे में है। पेंट सबको पता है, जिसमें हम चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं, ठीक है, और पिक्चर को एडिट भी कर सकते हैं। एमएस पेंट में जो फाइल सेव होती है वो बिटमैप फाइल्स के तरीके से सेव होती है, और इसका एक्सटेंशन जो है वो .bmp है। इसके अलावा पेंट में, पेंट प्रोग्राम में बहुत सारे टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम चीज़ों को ड्रॉ कर सकते हैं और कलर भी कर सकते हैं। जैसे पहला है लाइन टूल। लाइन टूल में क्या होता है, लाइन टूल की हेल्प से हम कोई भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं और किसी भी थिकनेस की उस लाइन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को हम रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप में ड्रॉ कर सकते हैं। ओवल टूल में भी सेम चीज़, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम ओवल या फिर सर्कल शेप में ड्रॉ कर सकते हैं। पॉलीगन टूल की हेल्प से पॉलीगन शेप में ड्रॉ कर सकते हैं। फिल विद कलर की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट में कलर फिल कर सकते हैं। और पेंसिल टूल की हेल्प से हम कोई भी लाइन, फ्री लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। इरेजर टूल की हेल्प से हम ड्राइंग के किसी भी पार्ट को इरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग अ पिक्चर। मॉडिफाइंग अ पिक्चर, इसमें क्या होता है, जैसे कोई भी पिक्चर है, हमने उसे इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद हमें उसमें कुछ भी चेंजेस करने हैं, उसका कलर चेंज करना है, उसका साइज चेंज करना है, उसको किसी भी तरीके से रोटेट करना है, तो उस चीज़ को बोला जाता है मॉडिफाइंग पिक्चर। अब पिक्चर को हम मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले मॉडिफाई करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होता है। इसके दो तरीके होते हैं, रेक्टेंगुलर सेलेक्शन एंड फ्री फ्रॉम सेलेक्शन। रेक्टेंगुलर सेलेक्शन में क्या होता है, रेक्टेंगुलर सेलेक्शन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, पूरे पार्ट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर सेलेक्शन की हेल्प से, इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में। तो इसके लिए पहला स्टेप होता है, इमेज ग्रुप में से ड्रॉप डाउन एरो में सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वहाँ पे रेक्टेंगुलर सेलेक्शन का ऑप्शन आता है, उसको क्लिक करेंगे, फिर जो पार्ट हमें सेलेक्ट करना है उस पार्ट को हम कर्सर की हेल्प से ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद वो एरिया सेलेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, कर्सर की हेल्प से इसको ड्रैग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्री फ्रॉम सेलेक्शन। फ्री फ्रॉम सेलेक्शन क्या होता है, इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इररेगुलर तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो पर्टिकुलर शेप में ही आएगा। जैसे ये स्टार को हमने स्टार की शेप में सेलेक्ट कर लिया है, यही होता है फ्री फ्रॉम सेलेक्शन। फ्री फ्रॉम सेलेक्शन कैसे यूज़ होता है, इसमें भी ड्रॉप डाउन एरो में, इमेज ग्रुप में ड्रॉप डाउन एरो को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद वहाँ पे ऑप्शन आएंगे बहुत सारे जिसमें फ्री फ्रॉम सेलेक्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम अपनी इमेज को, अपने ऑब्जेक्ट को सेम ड्रैग करते हुए जो एरिया में सेलेक्ट करना है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट है कॉपिंग एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कॉपी करना, कॉपी करना या किसी भी चीज़ का हमें डुप्लीकेट करना, तो इसके लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है क्लिक ऑन ड्रॉप डाउन एरो ऑफ सेलेक्ट एंड चूज अ सेलेक्शन। सबसे पहले ड्रॉप डाउन एरो को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ड्रैग, जिसमें से हम सेलेक्शन ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ड्रैग द पॉइंटर टू सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द पिक्चर वी वॉन्ट टू कॉपी। उसके बाद ये पिक्चर का हमें जो पार्ट सेलेक्ट कॉपी करना है, जिस भी चीज़ को, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट क्या होता है, क्लिपबोर्ड ग्रुप में ऑप्शन आता है कॉपी का, उसको हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम कॉपी ऑप्शन क्लिक करेंगे, उसके बाद दोबारा थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, क्लिपबोर्ड ग्रुप में ही पेस्ट का भी ऑप्शन आता है, उस पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो क्या होगा, जो आपकी ऑब्जेक्ट होगा वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आके कॉपी हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद नेक्स्ट इसको हम और भी कुछ कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको किसी भी अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पे मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मूविंग एन ऑब्जेक्ट। एक चीज़ और इसमें, ऐसा नहीं है जैसे आपने एक बार पेस्ट कर दिया, इसके बाद आपको इसकी एक और कॉपी चाहिए, तो ऐसा नहीं है आपको फिर से कॉपी करना पड़ेगा, वो ऑलरेडी कॉपीड है, आप दोबारा पेस्ट ऑप्शन की हेल्प से दोबारा उसे पेस्ट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है मूविंग एन ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है, हम ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव भी कर सकते हैं कट कमांड की हेल्प से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पार्ट हमें कट वो करना है, मूव करना है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे सेलेक्ट टूल की हेल्प से। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस तरीके से रेक्टेंगुलर लाइन आपको दिखने लग जाएगी। इसके बाद हम क्लिपबोर्ड में से कट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे,
तो ये क्या होगा, ये पिक्चर कट हो जाएगी और आपके ड्राइंग एरिया से गायब हो जाएगी बिल्कुल। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि टॉप लेफ्ट एरिया में, कॉर्नर में, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, वहाँ पे वो पिक्चर पेस्ट हो जाएगी। इसके बाद इस पिक्चर को हम माउस की हेल्प से कहीं पे भी लोकेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आपका फ्लिपिंग द पिक्चर। फ्लिपिंग द पिक्चर का मतलब है हम पिक्चर को फ्लिप कर सकते हैं, मतलब उसको कैसा भी घुमा सकते हैं, उल्टा सीधा जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, इस तरीके से इसको फ्लिप कर सकते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन, पहला स्टेप क्या है, सबसे पहले जिस पिक्चर को हमें फ़्लिप करना है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद रोटेट ऑप्शन आता है इमेज ग्रुप में, ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद क्लिक वन ऑफ द रोटेट ऑप्शन इफ़ वी वांट टू रोटेट द पिक्चर। उसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे जिसमें हम एक रोटेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिस भी शेप में हमें, मतलब जिस भी तरीके से हमें रोटेट करना होगा उस पर क्लिक करके उसको रोटेट कर लेंगे। क्लिक ऑन द वन ऑफ द फ्लिप ऑप्शन इफ़ यू वांट टू फ्लिप द पिक्चर। इसके बाद इसमें फ्लिप का भी ऑप्शन आता है तो फ्लिप पे हम लोग क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर फ्लिप हो जाएगी। फ्लिप मतलब जैसे सीधी है, फ्लिप करने पे ही इस तरीके से हो जाएगी। नेक्स्ट है रिसाइजिंग और स्क्विंग द पिक्चर। रिसाइजिंग में क्या कर सकते हैं, हम किसी भी पिक्चर का साइज़ को चेंज कर सकते हैं, उसको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, उसके पिक्सल भी कम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहला स्टेप होता है सेलेक्ट द ड्राइंग बाय कवरिंग इट्स बाउंड्री यूजिंग सेलेक्टिंग टूल। सबसे पहले हमें जिसे सेलेक्ट करना होता है उस पिक्चर को सेलेक्टिंग टूल की हेल्प से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इमेज होम टैब में, इमेज ग्रुप में ऑप्शंस आते हैं काफ़ी सारे, जिसमें से हम रिसाइज ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से खुल के आ जाएगा। इसमें हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं रिसाइज करने के लिए भी, आप इसको परसेंटेज में भी रिसाइज कर सकते हो और पिक्सल में भी, ठीक है, उसके और डिग्री में इसको स्क्यू भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरीके से। जैसे कि यहाँ आपको ये शो हो रहा होगा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जिस भी आपको उसमें चाहिए साइज़ में आप यहाँ लिख देंगे, फिर उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर आपकी रिसाइज हो जाएगी। नेक्स्ट है डिलीटिंग अ पिक्चर। पिक्चर को कैसे डिलीट कर सकते हैं, सबसे पहले ड्रॉप डाउन एरो में हम सेलेक्शन से उस जिस चीज़ को हमें डिलीट करना है उस चीज़ को हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सेलेक्ट द पार्ट ऑफ द पिक्चर वी वांट टू रिमूव, वही है सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट अगेन क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जिसमें सेलेक्शन में एक ऑप्शन आता है डिलीट का, जैसे ही आप डिलीट पे क्लिक करेंगे वो पार्ट आपका वहाँ से डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है यूजिंग कलर पिक टूल। कलर पिक टूल क्या होता है, द कलर पिक टूल इज़ वेरी यूजफुल टूल टू सेलेक्ट अ कलर फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड फिलिंग इट इन टू एनी अदर ऑब्जेक्ट। इट हेल्प अस टू पिक एग्जैक्टली द सेम कलर यूज्ड इन एनी एरिया ऑफ ड्राइंग। टू यूज दिस टूल फॉलो द स्टेप ऑफ गिवन ऑन नेक्स्ट पेज। कलर पिक टूल क्या होता है, इसकी हेल्प से हम जैसे कोई भी हमारे पास बैकग्राउंड में कलर है ड्राइंग एरिया में, हम उसको पिक कर सकते हैं और जिस भी चीज़ में हमें फिल करना है उसमें फिल कर सकते हैं। इसके लिए क्या स्टेप है, पहला स्टेप है क्लिक ऑन द कलर पिक टूल इन द टूल ग्रुप में से कलर पिक टूल को हम क्लिक कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद क्या हो जाएगा, जिस भी कलर को हमें चूज़ करना है उस पर हम क्लिक करेंगे तो वो इस तरीके से कलर वन लिखा आता है, तो कलर वन में वो कलर आपका फिल हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने इस कलर को पिक किया तो यहाँ पर ये वाला कलर फिल हो गया। इसके बाद अगर हमें इसमें यही कलर फिल करना है इस जगह पे, किसी भी जगह पे, तो फिल विद कलर टूल को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद जहाँ पे हमें इसे फिल करना है वहाँ पे फिल कर देंगे। कैसे, क्लिक ऑन द अनदर क्लोज पार्ट ऑफ द पिक्चर टू फिल द सेलेक्शन कलर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कलर यहाँ पे आ जाएगा, फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको इस चैप्टर के बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करने हैं, बुक एक्सरसाइज बुक में फिल करनी है। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।